उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रालपुर स्थित गंगा घाट में गंगा स्नान करते समय अचानक एक युवक के गहरे पानी में चले जाने से हड़कंप मच गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत सब्जी नेवाजी खेड़ा गांव का रहने वाला युवक रंजीत 22 वर्ष पुत्र गोवर्धन ट्रैक्टर ट्राली से लगभग 25 से 30 ग्रामीणों के साथ गंगा स्नान करने पहुंचा था और लगभग 1 बजे ग्रामीणों के साथ गंगा स्नान करते समय गहरे जल में समा गया। साथ ही स्नान कर रहे ग्रामीणों के देखते ही देखते वह उनकी आंखों से ओझल हो गया और गंगा नदी में समाहित हो गया, जिससे साथी और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सर हम यहाँ नहीं आए थे नहाए ना, हम तो वहाँ अपना खेती बाड़ी काम कर रहे हैं। चलने के समय साहब हमने इन लोगों को समझाया कि देखो आज चलो नहीं, हम लोग जा रहे थे लालगंज, तो इन लोगों को समझाया कि देखिए आप लोग जा रहे हो तो आराम से नहाना और कोई कूद काद नहीं करना चलने के समय। और फिर एक इनके चाचा को मैं भेज रहा था तो उन विजयपाल को, तो वो लड़का जो डूबा उसने कहा कि देखो उसको मत भेजो, नहीं हम लोग नहीं जाएंगे। बड़े बूढ़े होते हैं तो कंट्रोल रहता है ना, तो और उनको हमने बुलवाया भी, वो थोड़ा दूर थे खेत में थे, बुलवाया एक लड़के के बीच, लेकिन वो जो है आ नहीं पाए कि लड़के निकल लिया, हम लोग लालगंज जा रहे थे। आप परिवार के? नहीं हम ठाकुर हैं, वो यादव, हम दोनों आदमी पार्टनर में लकड़ी काम करते हैं गाँव में। आप उसी गाँव के निवासी खेड़े के? जी। क्या नाम है आपका? दीपू सिंह। बच्चे मानते हैं नहीं, बड़े बूढ़ा हो तो थोड़ा ध्यान रखता है कम से कम। अब सब लड़के ही लड़के जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये भी कहा कि सर जो है कल चलना, हम लोग आज समय नहीं, और ट्रैक्टर वाले को पैसा देना, तो पैसा लालगंज में एक जगह बाकी था 6 महीने से लकड़ी, तो वहाँ पैसा लेने के चक्कर में गए और कल चलना सब लोग, लेकिन वो लड़का नहीं माना, सब लड़के किसी सयाने आदमी लाने के लिए भी नहीं।